आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा मंगलवार को राज्यसभा के विशेष अधिकार समिति के समक्ष पेश हुए। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक रूप से की गई उन टिप्पणियों पर अपना पक्ष रखा, जिसके लिए उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन की शिकायत की गई है। माना जाता है कि चड्ढा ने समिति के समक्ष माफी भी मांगी। सदस्यों ने कहा कि उन्होंने इस मामले को लेकर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी। सूत्रों ने बताया कि चड्ढा संसद भवन परिसर में हुई समिति की बैठक के दौरान उनके समक्ष आए, लेकिन शिकायत पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। राज्यसभा के विशेष अधिकार समिति आप नेता राघव चड्ढा सहित कुछ सांसदों के खिलाफ विशेष अधिकार हनन की शिकायत की जांच कर रही है। समिति संजय सिंह और डेरेक ओब्रायन के खिलाफ शिकायतों की भी जांच कर रही है। सूत्रों ने बताया कि समिति ने चड्ढा से 7 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी है। चड्ढा और सिंह दोनों फिलहाल सदन से निलंबित हैं। चड्ढा 11 अगस्त से निलंबित हैं क्योंकि कुछ सांसदों, जिनमें से अधिकांश सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन पर उनकी सहमति के बिना एक प्रस्ताव में उनका नाम जोड़ने का आरोप लगाया था। प्रस्ताव में विवादास्पद दिल्ली सेवा विधेयक की जाँच के लिए प्रवर समिति के गठन की मांग की गई थी। समिति की बैठक आप नेता की ओर से उनके निलंबन के खिलाफ दायर मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ टिप्पणियां किए जाने के बाद हुई। शीर्ष अदालत ने चड्ढा से कहा कि वो प्रवर समिति के मुद्दे पर राज्यसभा के सभापति धनखड़ से बिना शर्त माफी मांगे। उम्मीद जताई गई कि धनखड़ इस मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणि से कहा था कि वो दिल्ली की छुट्टियों के बाद इस मामले में हुए घटनाक्रम से उसे अवगत कराए।